रही वो बिल्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें 390 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू नईम इन लंदन, जहां कभी नाच गाना, शराब और नाइट क्लब हुआ करता था, अब वहां पर नमाज पढ़ी जाएगी। 1896 ईस्वी की बनी हिस्टोरिक बिल्डिंग ट्रोकाडीरो अब लंदन ट्रोकाडीरो मॉस कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं और आजकल यह न्यूज़ काफ़ी चर्चा में है, तो सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूं। अब कौन सी बिल्डिंग है, कहां पर है, कौन सा आदमी इसके पीछे है और सबसे इम्पोर्टेंट लंदन ट्रोकाडीरो जो बिल्डिंग है उसका जो पुराना इतिहास है, यह सब आपको चौंकाने वाला है। तो मैं आपको ले कर चलता हूँ सीधे उस जगह पे। तब तक आप लोग फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दो। मैं इस वक्त बस में हूँ और ये सामने वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं मेरे फिंगर के सामने, ये वो बिल्डिंग है। देखिए पिकाडिली सर्कस का ये मेन जंक्शन है, जो ये काफ़ी पॉपुलर है अपने टीवी के लिए भी। ये देखिए सामने 4 मंजिल ऊंचाई है इसकी। अगर आप टीवी को उस साइड से देखेंगे तो आप देखेंगे कि देयर 4 फ्लोर्स। पिकाडिली सर्कस और वो रही वो बिल्डिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये है सेंटर पॉइंट एंटरटेनमेंट का हब, और वो है सामने बिल्डिंग जो बनने वाली है मस्जिद। तो बात करते हैं सबसे पहले बनने वाले इस मॉस्क की, और इस बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर्स की एक मस्जिद बन रही है जिसमें 390 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे एक इस्लामिक सेंटर होगा, साथ में यहां पर इंटरफेथ मीटिंग्स भी हुआ करेंगी। अगर आप गूगल मैप पे अगर सर्च करो इस बिल्डिंग को अभी, तो ये लंदन ट्रोकाडीरो मॉस बता रहा है, आप भी सर्च करके देखिए इसको। पर अगर न्यूज़ पे बिलीव करें तो इसका नाम होगा पिकाडिली प्रेयर स्पेस, और इस प्रपोजल को वेस्ट मिनिस्टर काउंसिल ने अप्रूव भी कर दिया है। हालांकि ओरिजिनल जो इनका प्लान था यहाँ पर मस्जिद बनाने की, वो था 1000 लोगों की नमाज पढ़ने की जगह, लेकिन लोकल जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ वो और जो एक्सट्रीम राइट विंग है उनके अपोज की वजह से वेस्ट मिनिस्टर काउंसिल ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, और अलग अलग तरह के तर्क दिए गए, जैसे अरे ये तो शराब खाना था, यहाँ पर फिल्में दिखाई जाती थीं, अरे यहाँ तो नाइट क्लब था, यहाँ पे न्यूड शोज हुआ करते थे, तो यहाँ पे मॉस्क कैसे हो सकता है। पर मई 2023 को जो है वेस्ट मिनिस्टर काउंसिल ने इसे अप्रूव कर दिया। हालांकि ये थोड़ा सा छोटा है, 390 लोगों के लिए है, और बहुत जल्दी ये यूज़ में भी आने वाला है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे हर तरफ म्यूज़िक है, शोर है, डांस है, और ये इसी के लिए फेमस है। तो मैं आपको बिल्डिंग के दूसरी तरफ लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे ये बिल्डिंग वहाँ तक आगे जाती है। तो ये देखिए, ये है ट्रोकाडीरो, और इस शख्स के पीछे जो है उसका नाम है आसिफ अजीज। ये यूके का बिलियनायर है और इसको मिस्टर वेस्ट एंड भी कहा जाता है, क्योंकि लंदन में ही इसके 40 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, और इस तरीके के प्रॉपर्टीज़ आप देखिए बहुत ही हाई वैल्यूज़ वाले। आसिफ अजीज जो है इंग्लैंड के 5 सबसे अमीर मुस्लिमों में से एक है, और उसने 2005 में इस पूरी बिल्डिंग को वहाँ से लेकर और वहाँ तक
2005 में 220 मिलियन पाउंड देकर इसको खरीद लिया और अब यहाँ पे होटल, रूफटॉप रेस्टोरेंट और मस्जिद बनाई जा रही है। अपने सामने वाले बिल्डिंग को देखा होगा जो इसका स्कैफोल्डिंग लग चुकी है। वैसे तो इंग्लैंड में ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं जिसको किसी न किसी बिल्डिंग को कन्वर्ट करके बनाया गया है, जैसे विम्बली सेंट्रल मॉस्क है, ईस्ट लंदन ब्रिक लेन मॉस्क है। इस ये पहले चर्च हुआ करती थी, अब वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती हैं। लेकिन ये जो बिल्डिंग है और इसका जो इतिहास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाला है, जिसकी वजह से ये बहुत ही न्यूज़ में है। यह पूरा एरिया अपने नाइट लाइफ, थिएटर, कैसीनो यानी जुआ खाना और बार्स एंड रेस्टोरेंट के लिए फेमस है। एक तरफ सोहो है जो लंदन का ऑफिशियली रेड लाइट एरिया है और बहुत ही पॉपुलर है, तो दूसरी तरफ सामने आपको दिख रहा है लेस्टर स्क्वायर। और ये जो सामने नियो क्लासिकल बिल्डिंग दिख रही है सामने, ये बेसिकली है रीजेंट स्ट्रीट जो आपको सीधे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लेकर जाती है। और इसी जगह पे मेरे हिसाब से थोड़ा ही आगे उस तरफ जो है एक थिएटर है, लंदन कोलिजियम। और ये थिएटर जो है यूके का सबसे बड़ा थिएटर है, जिसके अंदर 2354 सीट्स का अरेंजमेंट है, मतलब इतने लोग एक साथ शोज को देख सकते हैं। ये जो बिल्डिंग है ये 1896 में बनकर तैयार हुआ था और इसको लंदन पवेलियन भी कहते हैं। जब ये बनकर तैयार हुआ था उस टाइम में इसमें एक रेस्टोरेंट और एक इंटरटेनमेंट हॉल हुआ करता था। उसके बाद से 1884 में इसके अंदर इंटरटेनमेंट, सिनेमा और एग्जीबिशन स्पेस में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। यूके का जो पहला 3D IMAX सिनेमा खुला था ना, वो इसी बिल्डिंग के अंदर खुला था। यहाँ जेम्स बॉन्ड की मूवी दिखाई गई है इस बिल्डिंग के अंदर, बीटल्स ने कई शोज ऑर्गेनाइज किए हैं। बंद होने से पहले 2011 तक इसके अंदर फन लैंड हुआ करता था और आज ये पूरी तरीके से बंद है, इसका रेनोवेशन चल रहा है। इस बिल्डिंग से पहले इसी जगह पर 1801, 1802, 1803 आप कह लें सेंचुरी में यहाँ पर अर्गाइल रूम हुआ करता था। स्पेलिंग कुछ ऐसा है ARGYLL, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, एक्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। और बेसिकली ये पैसे वालों के लिए एक तवायफ खाना था, तो वो यहाँ पर था और ये बहुत ही पॉपुलर था उस टाइम में। और ये अर्गाइल रूम 1809 ईस्वी में मास्करेड डांस और पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग मास्क लगाकर या यूं कहें कि अपनी पहचान छुपाकर दूसरे लोगों और अजनबी लोगों के साथ डांस करते हैं। और उस टाइम में जब यह ऑर्गेनाइज हुआ था तो 500 लोगों ने इसे अटेंड किया था। उस पार्टी में उस टाइम के जो प्रिंस ऑफ वेल्स, उसके अलावा द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, साथ ही साथ और भी बहुत सारे शाही और हाई प्रोफाइल लोगों ने इसमें शिरकत की थी। तो कुछ ऐसा इतिहास है इस बिल्डिंग का और इस जगह का। ये तो खैर 1896 में बनी है, जो कि काफ़ी नया है, बैरोक स्टाइल का है। तो अब जल्द ही इस बिल्डिंग के अंदर नमाज पढ़ी जाएगी और ये बिल्डिंग इंटरटेनमेंट नहीं, स्पिरिचुअल सेंटर कहलाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, प्लस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अभी से एडवांस में थैंक यू उसके लिए। तो मैं वेट करूंगा इसके मस्जिद बनने की, अगर मौका मिला तो आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा। आपको क्या लगता है लंदन ट्रिकाडरो बिल्डिंग के अंदर मस्जिद का बनना कैसा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।